हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस तेसरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं, एक एम्प्लॉयर हैं, या आप एक एम्प्लॉयर पोर्टल का यूज करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अभी यूएन एंड केवाईसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों वीडियो मैंने बहुत दिनों से बनाना चाह रहा था, लेकिन अभी फाइनली मुझे वीडियो बनाना ही पड़ा इस टॉपिक पे। दोस्तों, अभी जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो जब आप अपना यूएन अकाउंट लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद में आपको ऑप्शन दिखाता है कि अकाउंट इज डिसेबल्ड। दोस्तों, आप अकाउंट डिसेबल्ड क्यों हो, आप कमेंट करके जरूर बताइए। जो मैं इसमें अपना पॉइंट रखूँगा, और अपने भी आप अपने पॉइंट रखिए कि हमारा अकाउंट डिसेबल्ड क्यों हुआ, जब केवल किस वजह से आपको, आप केवाईसी अगर आपने किसी थर्ड पार्टी से, कंपनी के अलावा कहीं और से करवाई है, तो इसका ये मेन रीज़न है, अकाउंट इज डिसेबल्ड। तो दोस्तों, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप 5 मिनट की केवाईसी चक्कर में आप अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। अगर आप एक एम्प्लॉयर आईडी यूज़ करते हैं, केवाईसीयां करते हैं, ओनली केवाईसीयां करते हैं, तो ये आप भी बहुत गलत कर रहे हैं। तो अकाउंट इज डिसेबल्ड आ रहा है, जिसका लास्ट में बताएंगे कि इसका रिलीज का ऑप्शन क्या कर सकते हैं, इसका उपाय क्या। तो अकाउंट डिसेबल्ड बहुत बड़ी समस्या, अभी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का अकाउंट डिसेबल हो गया कि यूएन वो एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो इसका क्या रीज़न है दोस्तों, आप लोग तो आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे मिल रहे हैं कि आप पीएफ केवाईसी 5 मिनट में करें, 5 मिनट में ओनली आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाएगी। कैसे दोस्तों, एक इसकी प्रोसेस होती है, कंपनी के अलावा कोई केवाईसी अप्रूव नहीं कर पाता, तो वो 5 मिनट में केवाईसी कैसे अप्रूव कर पाते हैं। तो अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं, तो आप भी अगर आप समझदार हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो कंपनी, आप जहां काम कर रहे हैं या जो आपने कंपनी पे काम किया, वहीं से आप अपनी पीएफ केवाईसी करवा सकते हैं। अदरवाइज कोई भी केवाईसी नहीं कर सकता। अदरवाइज आप कहीं पर भी अपनी 5 मिनट में केवाईसी करवा रहे हैं, तो मतलब वो एक गलत तरीका यूज करते हैं। तो गलत तरीका यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भुगतना पड़ता है। जो अभी जितने भी एम्प्लॉई हैं, उन्होंने शायद उनकी वजह से वो अकाउंट, यूएन अकाउंट डिसेबल हुआ, और कुछ उनके वजह से ऑटोमेटिक भी डिसेबल हुए टेक्निकल एरर की वजह से। सबसे पहले दोस्तों, वो कैसे करते हैं, जैसे आपके मेंबर सर्विस में आप जाते हो, तो आपको डिटेल्स होती है, आपका मेंबर आईडी, एस्टेब्लिशमेंट कोड, पीएफ नंबर, डेट ऑफ एग्जिट, अदर अदर। जैसे कि एक बंदे ने ज्वाइन किया था, ये कंपनी थी, एक्चुअल में ये कंपनी थी, उन्होंने छोड़ा है, और उन्हें अपनी केवाईसी अपडेट करना था। केवाईसी इन कंपनियों में जाने के बजाय उन्होंने सेलेक्ट ऑप्शन चूज किया कि मैं अपनी 5 मिनट में अपनी केवाईसी कराऊं, कहां से एम्प्लॉयर से डिस्कस करूं, कौन एम्प्लॉयर से माथा पड़ी करें, अपनी 5 मिनट में अपनी केवाईसी करा देता हूं कुछ अमाउंट देके। तो वो अगर आप 5 मिनट में केवाईसी अप्रूव कराते, तो आपको जाना पड़ेगा कभी अदर पार्टी के पास, जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे 5 मिनट में आपकी केवाईसी अप्रूव करते। तो वो क्या करते हैं, आपकी जो कंपनी अपने नाम से कोड लेते हैं, किसी नाम से कोड लेके वो बैक डेट में आपको ज्वाइनिंग करवा के, सेम डेट पर ज्वाइनिंग करवा के आपकी पीएफ केवाईसी अपडेट कर देते हैं। तो ये कुछ दिनों से, काफ़ी दिनों से चलता आ रहा था, बहुत गलत तरीका था। मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाना, मुझे बहुत दिन पहले बनाना, लेकिन अभी इस वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पीएफ वालों ने यूएन अकाउंट डिसेबल एंटीएक्टिव कर दिए गए। तो ये इसी का एक तो मेन रीज़न यही है, या अगर आप बैक डेट में ज्वाइनिंग ना करवा के आपको पीछे आपको ज्वाइनिंग करवा देते हैं, तो ये बहुत ही गलत तरीका। एक तो आपको अनऑथराइज कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जो आपको पता भी नहीं होता। आप क्योंकि जो पीएफ मेंबर होते हैं, जिनको नहीं पता कि केवाईसी कैसे करनी होती है, क्या करना होता है, ज़्यादातर वही इस वजह से फंसते हैं। तो ये अगर आप पीछे का अपडेट ज्वाइनिंग करवाते, आपकी कंपनी रजिस्टर हो गया, आपने एक दिन करके आपने एक दिन में ही काम छोड़ दिया, तो ये गलत तरीका आपकी मेंबर आईडी में ऐड हो जाएगा, जो कभी भी डिलीट नहीं होता, पीएफ रिकॉर्ड में ये हो जाएगा। तो केवाईसी अपडेट हो जाती थी, लेकिन अब नहीं होती। तो इसी वजह से पीएफ ने अभी लेटेस्ट अपडेट दिया था कि अब आपकी केवाईसी सिर्फ ओनली मेंबर ही कर सकता है अपने मेंबर पोर्टल से, अदरवाइज अब एम्प्लॉयर अपनी केवाईसी, एम्प्लॉयर बैंक केवाईसी नहीं कर सकता। इसमें मैंने लेटेस्ट वीडियो बना रखा है। तो ये एक नया अपडेट था कि ये इसी वजह से आया। इसके बाद में अपडेट आने के बाद में यूएन अकाउंट डिसेबल हो गए, जिन्होंने गलत तरीके से अपनी केवाईसी अपडेट करवाई थी। तो ये गलत तरीका, आप अगर आप पीएफ मेंबर हैं, तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं, तो प्लीज़ 5 मिनट के चक्कर में अपना यूएन अकाउंट डिसेबल ना करें, और यूएन अकाउंट डिसेबल के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सेव नहीं करें। क्योंकि आपको पता ही दोस्तों, पीएफ बार बार में आपका अवेयरनेस करता है, पीएफ आप डायरेक्ट कभी भी फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता। तो एक प्रोसेस होती है, अगर आप प्रोसेस के थ्रू करोगे, तो आपकी केवाईसी भी डेबिट होती है। अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है, तो कंपनी के बंद होने के बाद में भी पीएफ ऑफिस ने एक्ट में दिया है कि आप अपना क्लेम कैसे आप सेटलमेंट कर सकते हो। तो थोड़ी सी प्रोसेस होती है, आप 5 मिनट के चक्कर में आप अपना कितना अमाउंट लॉस कर रहे हैं, ये आपको नहीं पता। अब यूएन डिसेबल हो गए, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम अभी आ रही है बहुत सारे पीएफ मेंबर्स को। तो दोस्तों, जो अभी 5 मिनट में केवाईसी कर रहे हैं, तो उनका केवाईसी करने का नुकसान क्या है, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। सबसे पहला बेस्ट है जो फॉर मेंबर्स के लिए, कि यूएन अकाउंट इज डिसेबल एंड डीएक्टिव, और
डेट ऑफ एग्जिट रॉन्ग अपडेट। तो अगर आपका अकाउंट डिसेबल हुआ है तो आप शायद आपको मिलकर रिज्यू बताया क्या इसी वजह से हुआ है कोई अदर रीजन है। डीएक्टिव हुए हैं वो है कि आपको टेक्निकल एरर है, क्योंकि बहुत सारे जिनके पास यूएन नंबर है और मल्टीपल यूएन नंबर है वो ट्रांसफ़र नहीं करवाए, अदर रीजन से भी डीएक्टिव हुए हैं, तो उसका भी सोल्यूशन टेक्निकल एरर की वजह से वो भी जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो डिसेबल हुए हैं उनका यही है कि अदर मतलब थर्ड पार्टी से जो 5 मिनट में केवाईसी करते हैं या अदर किसी वजह से केवाईसी करवाई है तो उस उनका अकाउंट डिसेबल हो। अपडेट रॉन्ग डेट ऑफ एग्जिट, तो इसका खेल क्या है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसमें बहुत सारे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के रीज़न होते हैं। अगर आपकी गलती से इन्होंने आपकी डेट ऑफ एग्जिट डेथ इन सर्विस डाल दिया तो आपका अकाउंट परमानेंटली बंद हो जाएगा, मतलब उसको आप कभी लॉग इन ही नहीं कर सकते। तो एक तो ये गलत तरीका, आपको उसमें ब्लैकमेलिंग में आप फंस सकते हो। अगर आपने अदरवाइज आपने जिससे भी ये काम करवाते हो 5 मिनट के वजह से आपने उसको पैसे नहीं दिए तो वो आपको यूएन में परमानेंट डेथ इन रीजन डाल के आपका अकाउंट डीएक्टिव कर सकता है, तो वो कभी आप लॉग इन नहीं कर सकते, तो आपको पूरा पीएफ का पैसा वहाँ पे फंस जाएगा। तो आपकी जो कंपनी है वो भी आपका इसमें कोई भी जो करंट में आप जहाँ काम करोगे वो भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट होगा वो इन्हीं के थ्रू सबमिट होगा और इन्हें यही नहीं पता कि क्या कंप्लायंस कैसे करनी होती है क्या नहीं होती, क्योंकि मेरे इससे रिलेटेड जो 2-3 ऐसे जो काम करते हैं उनके नोटिस आए, नोटिस की वजह से उन्होंने ये भी नहीं पता कि इनमें कंप्लायंस क्या होती है, मैंने कोड ही क्यों लिया। कोड वो सिर्फ इसी वजह से लेते हैं कि हम अपने केवाईसी करते हैं, केवाईसी से हम पैसा बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आप गलत तरीका यूज करोगे, गलत तरीके से आप अपनी प्रोसेस करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको आगे जाके दिक्कत आने वाली है, क्योंकि पीएफ कोड होता है वो जो अच्छे अच्छी कंपनी होते हैं वो भी लेने से 10 बार सोचते हैं। तो 4 यूज रॉन्ग एम्प्लॉयर आईडी, अगर आप गलत एम्प्लॉयर आईडी यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले आपको आता है नोटिस, फिर इंस्पेक्शन आती है ऑनलाइन, और अगर आप इंस्पेक्शन वगैरह का रिप्लाई नहीं करते तो फिर आपको ऑप्शन आता है 7A, जो सबसे हार्ड होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो 7A से जो करती हैं उनसे पूछ सकते हैं, या आप किसी भी जो अच्छे प्लेटफॉर्म होता है जो पीएफ के बारे में बताया, एक्ट के बारे में आपको नॉलेज है तो आप पीएफ एक्ट 7A में जो सेक्शन 7A में जाकर पढ़ सकते हैं कि एम्प्लॉयर को कितनी लाइबिलिटी देनी पड़ती है और कौन कौन सी इंस्पेक्शन के रिक्वायर्ड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो मैंने इंस्पेक्शन पर नोटिस बनाया कि पीएफ ऑफिस जब इंस्पेक्शन आते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो अगर आपको शायद ये पता भी नहीं होता कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, आप सिर्फ एम्प्लॉयर फर्जी आपने किसी से एम्प्लॉयर आईडी बनाई, बना के आपने अपने आधार पैन से कोड ले लिया, फिर आपने केवाईसी करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों अब क्या करेंगे आप, क्योंकि बैंक केवाईसी का ऑप्शन उन्होंने रिमूव कर दिया तो अब आपको दिक्कत आ सकती है, नोटिस आएगा, नोटिस का रिप्लाई नहीं किया तो आपके पास इंस्पेक्शन आएगी, इंस्पेक्शन आपके ऑनलाइन भी आती है ऑफलाइन भी आती है। अगर इंस्पेक्शन का रिप्लाई नहीं देगा 7A आती है, 7A अगर नहीं आएगी तो फिर कोर्ट से नोटिस आता है। तो अगर गलत तरीका यूज करेंगे, प्रोसेस से हटके आपका काम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ सकता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है फॉर मेंबर्स के लिए, अगर आप अपनी कंपनी से ही केवाईसी अप्रूव कराएं, अदरवाइज अदर ऑप्शन है वो जाके फॉलो करें। ये जो 5 मिनट में केवाईसी या 2 मिनट में केवाईसी आप कहीं से पैसे लेके डायरेक्ट अदर पर्सन से आप अगर करवा रहे हैं तो वो गलत तरीका है, बहुत ही गलत तरीका है। अगर आप अन्य मेंबर हैं उसको आप अपने व्हाट्सअप फेसबुक पे वो आपके डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं, अगर आप उनको जो अमाउंट बताए उससे पैसे नहीं देते, अगर वो उनकी डिमांड भी बढ़ती जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे देखे हैं कि उनके सभी जो भी अगर आपने केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट दिए वो पूरे सोशल मीडिया पे शेयर कर दिए, गालियां करते हैं, कॉमेंट्स करते हैं, तो उससे आपका ही नुकसान है। तो दोस्तों ये ऐसा करने से आप बचें जिस वजह से आपका पैसा बच सके और आप इससे बचें। अब उनका जितना यूएन अकाउंट डिसेबल हो गया वो अब क्या करें, तो उसके लिए भी ग्रीवेंस राइज की थी दोस्तों। तो अगर आप एक रॉन्ग एम्प्लॉयर आईडी यूज कर रहे हैं सिर्फ केवाईसी के लिए तो प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि अब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने, क्योंकि पीएफ आगे बहुत ही ऑनलाइन होने वाला जाना, बहुत ही एडवांस हो जाएगा, जिस वजह से जो अब आप काम कर रहे हो ये आपके लिए दिक्कत, क्योंकि आपको पता है दोस्तों शॉर्ट टर्म पेमेंट, आप कुछ बेनिफिट्स के लिए जितना आपने कमाया नहीं उतना आपको डबल पीएफ ऑफिस वालों को देना पड़ सकता है, और अगर कोर्ट को नोटिस आ गया इंस्पेक्शन आ गई तो आप क्या करेंगे, क्योंकि इसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि वो एक रेगुलर कंपनी काम करती है तो उसके पास भी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। मेरे से बार बार यही रिक्वेस्ट है कि ये प्लीज़ गलत काम है, जो प्रोसेस से हट के काम करते हैं वो मत कीजिए। अगर आप कोई भी प्रोसेस से हट के काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको भुगतना पड़ सकता है। तो इसमें अगर आपने गलत काम किए हैं, गलत तरीके से यूज़ किया तो मेंबर को भी भुगतना पड़ रहा है और जो रॉन्ग एम्प्लॉयर आईडी कर रहे हैं उनको भी भुगतना फ्यूचर में पड़ सकता है, क्योंकि पीएफ ऑफिस है वो कभी भी जो इंस्पेक्शन कहीं ना कहीं एक बार फिर कंपनी को जरूर आती है और 7A भी आती है, आप 7A की लिस्ट चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी पीएफ पोर्टल पे अवेलेबल रहती है। फिर अगर दोस्तों अब यूएन अकाउंट डिसेबल हो गया तो पीएफ ऑफिस ने सिर्फ यही जानकारी दी है कि ये टेक्निकल इश्यू है, हम इस पर काम कर रहे हैं, जल्दी ही इस पर रिसोल्व हो जाएगा। दोस्तों
अगर किसी को अर्जेंट पैसों की जरूरत है तो वो इस यून अकाउंट डिसेबल का अपना स्क्रीन शॉट लें और ऑफलाइन फॉर्म जो 1910 और उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड पैन कार्ड और कैंसिल चेक की फ़ोटो लेके आप ये ऑफिस में सबमिट करवाएं तो आपका क्लेम आपका जल्दी ही सेटलमेंट हो जाएगा। तो फाइनली यही आ रहा उमंग ऐप के भी थ्रू आप अपना ट्राई कर सकते हैं अपना क्लेम के लिए। तो जिनका यूएन अकाउंट डिसेबल है तो उनका वेट कीजिए और अपने ग्रीवेंस रेज कर दीजिए कि हमारा ये एरर आ रहा है। तो दोस्तों आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट है कि गलत तरीका वो यूज़ मत कीजिए। अगर आप पीएफ मेंबर हैं तो आपको ध्यान दीजिए, आपको इसमें आपका ही पैसा फंसने वाला। तो कुछ सिर्फ जल्दी की वजह से काम मत कीजिए, इसमें प्रोसेस होती है। मैंने ऑलरेडी उसी वीडियो बनाया कि पीएफ ऑफिस उसका जो पीएफ एक्ट में लिखा है कि कम से कम आपके 20 दिन आपको क्लेम में लगते हैं, फिर भी आप 2 दिन के में आप अपना क्लेम सेटलमेंट करते हैं, उसके लिए आप 5-10 हज़ार रुपये आप देते हो, तो वो एक गलत तरीका। जितना आप कमाते नहीं उतना तो आप अपना उनको आप दे देते हैं। तो आपको कुछ अमाउंट फीस होती है वो अलग चीज़ होती है, अपना उनको उन्होंने अपना आपके लिए टाइम निकाला तो वो एक अमाउंट होती है, आप साइबर कैफे में जाके करवा सकते हैं तो इजीली वो ठीक है। लेकिन जो ऑनलाइन जो 5 मिनट 2 दिन में क्लेम 1 दिन में क्लेम वो एक गलत तरीका है, उसके आप साथ मत जाइए क्योंकि वो एक प्रोसेस सेट के काम करेंगे तो आपको भुगतना पड़ सकता है। तो अभी बहुत सारे एम्प्लॉयज लिए भुगत रहे हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इससे बचें और जो एक पीएफ की प्रोसेस है उसी से बचें। बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर हैं जिसके रिगार्डिंग अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं क्लेम कैसे करें केवाईसी कैसे करें, तो वही आप फॉलो कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।